नमस्कार मित्रों, मैं श्याम केवड़, ग्राम बकावा, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से हरिशंकर शिवलिंग आर्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह देखिए, यहाँ पर 2 इंच के कितने सारे शिवलिंग, यह कुल 1,000 शिवलिंग है। अब शिवलिंग में कुछ बहुत सुंदर सुंदर आकृतियों वाले शिवलिंग भी हमें प्राप्त हुए हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए इस शिवलिंग को, देखिए इस शिवलिंग में यह किस प्रकार से सुंदर मालाएं बनी हुई है। इधर भी देखिए आप, मां नर्मदा से इस प्रकार के शिवलिंग बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं, यानी कि इन 1,000 शिवलिंग में इस प्रकार के शायद 2 या 3 ही होंगे। उसके बाद में आपको अब अगला शिवलिंग दिखाता हूँ, जो भी अलग अलग आकृतियों के होते हैं। देखिए इस शिवलिंग की सबसे ज़्यादा मान्यता होती है हरे रंग का शिवलिंग होने के साथ साथ, इसके टॉप पर यानी कि मस्तक के ऊपर यह छत्र पाया जाता है, जो कि बहुत ऊर्जावान शिवलिंग होता है। इसके बाद में आपको दिखाता हूँ, यह देखिए इसमें त्रिपुंड की आकृति बनी हुई है, पूरा शहद के रंग का स्वयंभू नर्मदेश्वर शिवलिंग होने के साथ साथ त्रिपुंड की आकृति बनी हुई है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद में आपको अगला शिवलिंग दिखाता हूँ, इसे महामृत्युंजय नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं, इसमें यह माला बनी हुई है। और भी इसमें बहुत सारे शिवलिंग है, मैं आपको आगे और दिखाता हूँ। यह एक और जनेऊधारी शिवलिंग दिखाता हूँ, जिसमें विभिन्न रंग में जनेऊ बनी हुई है। देखिए किस प्रकार से शिवलिंग है। इसके बाद अगला शिवलिंग जो है, आप खुद देख सकते हैं इसमें किस प्रकार से यह आकृति बनी हुई है। देखिए इसके बाद यह अर्धनारेश्वर नर्मदेश्वर शिवलिंग, इसको देखिए। और मैं दूसरे दिखाता हूँ आपको, यह कालाग्नि नर्मदेश्वर शिवलिंग है। इस प्रकार से बहुत सारे नर्मदेश्वर शिवलिंग है, इनके ऊपर जो रंग है, जो आकृति है, वो पूर्णतः नेचुरल है। इन सभी का आकार अंगूठे के साइज का है। घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग अंगूठे बराबर से लगा करके हथेली बराबर तक का रखा जाता है, तो यह शिवलिंग का सबसे छोटा सा यानी कि एक अंगूठे के बराबर के हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए और इनके लिए जलाधारी भी आती है, जलाधारियाँ भी एक डमरू वाली होती है, एक प्लेट वाली, एक चकोर होती है, इस प्रकार से 3 जलाधारियाँ होती है। धन्यवाद मित्रों, नर्मदे हर, ओम नमः शिवाय।